इंदौर का रुख कर रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी भारत पाटिल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं भारत पाटिल का। जी भारत। हाँ बिल्कुल सलमान, लोकसभा का जो चुनाव है का हमारा राष्ट्र पर्व की तरह बनाया जा रहा है और उत्साह जो है मतदाताओं में वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इंदौर सांसद और स्पीकर सुमित्रा महाजन जी मौजूद है, जो अभी अपने मत का उपयोग करके ताई आपने काफी समय तक इंदौर को एक नए विकास की ओर लेके गए, काफी समय काफी प्यार आपको दिया और आज भी इंदौर की जनता देती आई, अब शंकर लालवानी जी आगे का नेतृत्व माने, कितनी चुनौती भरपूर उनके लिए है, क्या कुछ अब आगे विकास के लिए किया जाए? ऐसा है, इंदौर एक बहुत बढ़ता शहर है, व्यापार का शहर है, अब इंडस्ट्रियल सिटी भी हो रही है, शिक्षा के दृष्टि से भी एक बहुत बढ़ता हिस्सा यहाँ पर है, तो सभी प्रकार से इंदौर बढ़ रहा है। मगर मेरा विश्वास है, हमने भी काम किए हैं और शंकर ललवानी ने भी वार्ड से लेकर के उसने काम की शुरुआत की है, तो वो विकास को समझते हैं, जानते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि इंदौर के विकास में वो हमेशा अग्रणी ही रहेंगे, काम करेंगे। आपका भरपूर सहयोग मिल रहा था, पार्टी का भी सहयोग मिल रहा है, आम जनता किस तरह सहयोग देगी? आम जनता भी साथ है, क्योंकि आम जनता पार्टी के साथ हमेशा रही है, आम जनता विकास को समझ रही है, आम जनता देश को समझ रही है, राष्ट्रीय मुद्दों को समझ रही है और इसलिए एक राष्ट्र को मजबूत बनाने वाली सरकार बनानी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये बात भी इंदौर की जनता अच्छी तरीके से समझ रही है। ताई लेकिन अब जिस तरह की खबरें बंगाल से आ रही हैं, क्या लग रहा है बंगाल को लेकर? बंगाल में चिंता का विषय तो है ही, मगर मुझे लगता है बंगाल की जनता जागरूक हो गई है और प्रजातंत्र में मेरा इतना ही निवेदन है वहाँ की सरकार को भी कि क्योंकि वहाँ की जो नेता है ममता जी, उन्होंने भी प्रजातंत्र के लिए जनतंत्र के लिए वहाँ संघर्ष किया था, मुझे मालूम है, मैंने मेरे सामने देखा है, तो मैं उनको वो याद दिलाना चाहूंगी जैसे आपने उस समय अपनी जनतंत्र बचाने के लिए या अपना जो अधिकार है अपना कर्तव्य पूर्ति करने का अधिकार को मिलने के लिए आपने जो संघर्ष किया उसको वो याद करे और प्रजातंत्र के महत्व को समझे और उसी दृष्टि से आज भी एक प्रजातांत्रिक तरीका वो भी अपनाए। प्रजातंत्र में जैसे हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है, वो भी वो समझे और कहीं ना कहीं उसको ज्यादा तरजीह दे और देगी। लेकिन ताई जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर हमें अब विवादों में रही है, अभी मीडिया में विवादों में रही, फिर उन्होंने माफी भी मांगी है, तो क्या लगता है पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं एक नोटिस भी उन्हें जारी किया गया है? करते हैं कई सारे, अब कई बार होता है कई व्यक्ति बोलते हैं, कई व्यक्ति विवादों में सभी प्रकार के रहते हैं, सभी पार्टियों में ऐसे है और उन व्यक्तियों को समझाना ये पार्टी नेतृत्व का काम है, पार्टी नेतृत्व करता रहता है, हर पार्टी में है कुछ कुछ बोलने वाले, सबके लिए नहीं, हम अपना काम करते जाए अच्छे तरीके। लेकिन अब जो है कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बना दिया अब ऐसा है, हो सकता है उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे, हमारे पास तो पॉजिटिव बोलने के लिए बहुत सारी चीजें है, हमने राष्ट्र में जो काम किया है एक ईमानदारी से काम किया, विकास के काम किए हैं, बड़े बड़े रोड बनाए, हमने गंगा की सफाई करके हमारी माता गंगा को जिस तरीके से अब उसको खुला कर दिया है और वहाँ गंगा में भी व्यापार उद्यम शुरू हो सकता है, ऐसे हमने काम किए, तो हमारे लिए वो बातें हैं बोलने के लिए, इन पर नहीं ध्यान देते, हम तो राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं, राष्ट्र की सुरक्षा हमने पुख्ता की है, राष्ट्र का सम्मान हमने बढ़ाया है पूरे विश्व में, तो हम तो उसी मुद्दे पे काम करते हैं। लेकिन ताई इतने बड़े लोकसभा चुनाव में किसी भी आपकी पार्टी की तरफ से जीएसटी और नोटबंदी को लेकर के बात सामने नहीं आई, कोई बड़ा नेता सामने नहीं हो गई ना, पुरानी बात हो गई और वो भी की थी जनता के हिताय किया था, ब्लैक मनी कहीं ना कहीं कम हो उसका इसलिए किया था, कई सारे उसके परिणाम सामने आ रहे हैं, अच्छे परिणाम, फिर भी कांग्रेस उसी बात को लेकर के खड़ी मुझे है, मुझे ऐसा लगता है अब ऐसा है वो क्या करे, मैं कांग्रेस के नेता हूँ क्या, तो मैं क्यों देखूं, मैं ये देख रही हूँ मेरा नेता कितने अच्छे काम कर रहे हैं, मैं ये देखूं मेरे नेता ने कैसे राष्ट्र को सुरक्षित बनाया, मैं ये देखूं कि मेरा नेता निर्णय लेने में कैसा सक्षम है और इसलिए मुझे उसके लिए काम करना है।
तो बिल्कुल ये है सुमित्रा महाजन जी, जो कि साफ तौर पर विकास की बात को, जो पार्टी का एजेंडा उसको लेकर के, लेकिन देखना होगा कि आखिर 23 तारीख के दिन जनता किसको सर का ताज बनाती है या फिर जनता जनार्दन किसे इस लोकसभा चुनाव में पार्टी को दूर रखती है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ भारत पार्टी, INDTV24 न्यूज, इंदौर।